सो हे ऑल, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, इट्स कशिश व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड स्टेइंग सेफ। सो गाइज, आज है 4 फरवरी और आज है जीजू का बर्थडे। वैसे तो मैंने रात की जो केक कटिंग हुई थी वो वाला व्लॉग मैंने डाल दिया है सुबह ही। अगर आप लोगों ने नहीं देखा अभी भी तो आप लोग अभी देख सकते हो मेरा इससे पहले वाला व्लॉग। और अब ये मैं आज का व्लॉग फिर से बनाऊंगी कि वो तो रात का हो गया था सब हमने क्या क्या किया और आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं और आज क्या क्या अरेंजमेंट्स हैं, कौन कौन आने वाला है और मैं क्या पहनने वाली हूँ और ये सब चीज़ें हम आज के व्लॉग में देखेंगे। तो अभी घर पर कोई है नहीं क्योंकि भाई सुबह से ही चला गया है बहन के घर पे और मम्मी और पुनीत अभी कुछ गए हैं काम से और मैं नहा ली हूँ अब। और अब थोड़ी देर तक मैं वहाँ जाऊँगी तो मेरे कपड़े वपड़े सब निकले पड़े हैं बट अभी मैं तैयार नहीं हो रही। मैं जस्ट अभी अभी नहा के आई हूँ और धूप भी नहीं आया, जब मेरे बाल बाल सब गिले हैं। गुन्नु तो आ नहीं पाई तो ब्लॉग मेरे को शूट करना पड़ रहा है। तो हम आए थे मम्मी भाई के लिए कुछ गिफ्ट लेने, तो हमने खैर ये पसंद करा है, ये पसंद करा हमने। कैसे लग रही है? बच्चे सोचेंगे कि बर्थडे में हमारी गिफ्ट का क्या मतलब है, उनको उस चीज की नीड थी तो हमने सोचा घर में वही चीजें देते हैं जो नीडेड होती हैं। तो प्रेरणा और मम्मी बहुत झगड़ा करते रहते हैं कपड़ों के मारे, उनके पास रखने के लिए शॉर्टेज है, बेड रोज प्रेरणा खोल नहीं सकती। तो मैंने सोचा मम्मी को उसकी अलग अलमारी दे देते हैं और वो भी प्रेरणा से बेस्ट। कैसे लगी आप सबको कमेंट में बताना। गाइस, ये लोग आ गए घर और ये रही मम्मी और इन लोगों ने मुझे बताया कि ये लोग एक अलमारी पसंद करके आए हैं। तो फिर मैंने सोचा कि गाइज अलमारी गिफ्ट होता है फिर, पर फिर एक बात ध्यान में, हम लोग आपको भी बता देते हैं, जो निशी प्रेरणा है मतलब उनके रूम में एक अलमीरा है जिसमें वो वीडियोस बनाती रहती है, आप लोगों ने देखा होगा। पर वो क्या करती है कि अपने तो वो सारे कपड़े अलमारी में लगाती है और साइड में उनके रूम में, मम्मी ने मेरे को उनके रूम में एक कुर्सी है और उस कुर्सी पे जीजू के जितने कपड़े हैं वो सारे कपड़े जीजू के कुर्सी पे रखे होते हैं, वो अलमारी में नहीं रखती क्योंकि वो कहती है कि फिर ये एक कपड़ा निकालता है तो ये पूरी अलमारी खराब कर देता है, इसलिए वो जीजू को कपड़े नहीं रखने देती और फिर कहेगी कि ये मेरी अलमारी है तो इसमें मेरे कपड़े रहेंगे और वो हाँ और फिर वो जीजू को कपड़े नहीं रखने देती। तो इसलिए हमने सोचा कि हम जीजू को अलमारी दे देते हैं। हाँ, और गाइज प्रेरणा जीजू को ऐसे भी बोलती है कि ये अलमारी मम्मी ने मेरे लिए दी है तो इसमें मेरे ही कपड़े रहेंगे, तो इसलिए वो जीजू को कपड़े रखने नहीं देती। तो इसलिए अब हम जो दूसरी अलमारी लाए हैं उस पर हम लिख देंगे कि ये स्पेशली जीजू के लिए, और फिर हम जीजू को कहेंगे कि निशी का एक भी कपड़ा इसमें नहीं आना चाहिए, आप अपनी अलमारी पे वीडियोज बनाना, निशी अपनी अलमारी पे वीडियो बनाएगी। हाँ, वो हमेशा मेरे दामाद को यूं बोलती रहती है, इसके कपड़े नीचे पड़ रहेंगे, वो यहाँ पे बैठे हुए हलवाई और मैं अभी भी तैयार होकर नहीं आई, मैं ऐसे ही आई हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी मैं कैसे आई हूँ यहाँ में। हाँ, मैं ऐसे ही आई हूँ अभी और ये मेरे कपड़े, ये मैं तैयार हूँ, मेकअप है ये जो भी हो ये और पम्मी भैया है, बर्थडे इनका है, इनका नए कपड़े नहीं आए अभी तक, नए ओ अच्छा नए अरे कल भी लाल से पहन रखी, बर्थडे इनका है ये ज्यादा तैयार हो रहा है और बसु ने क्या पहना है गाइस, सब रेड रेड हो रहे हैं आज तो, फुल दिखाओ ना। और गाइस प्रेरणा की भी सेम है, इतनी बड़ी है लिपस्टिक कैसे लगा रही है? नहीं लग रही यार, कैसे लगा रही है? हाँ जी गाइस, मेरा मेकअप हो रहा है, अरे कितनी तेज है कशिश, सारा मेकअप निशी ने किया और सारा का सारा क्रेडिट खुद को दे दिया इसने। यार मुझे इस पे कुछ लगाना था गिफ्ट वगैरह। गाइस ये मम्मी ने जीजू के लिए भिजवाई है स्पेशली, मैं मम्मी के कपड़े बाहर फेंक देती हूँ ना। अच्छा, और गाइस अभी आंटी जी ने अलमारी हमने पसंद करी और ये अंदर से बहुत अच्छी है और ये स्पेशली जीजू ही जीजू के लिए है। जीजू आपकी अलमारी आई है,
जीजू आपका गिफ्ट, आप इसमें निशी को बिल्कुल कपड़े मत रखने देना, ठीक है? ये अलमारी रेडी एंड ये मैं और ये मैं इस पे ये लिखा है। मैं हो गई हूँ अब ऑलमोस्ट ही, अब मैं पूरी रेडी हो गई हूँ, कभी खत्म नहीं हो रहे हैं, पता नहीं कब से रेडी हो जा रही है। श्वेता दीदी बताओ, मैं तो सबसे पहले कर रही हूँ, तेरा कर रही गाइस। ये देखो ये कितनी अच्छी है आई शेडो पैलेट, इसमें कितने सारे शेड्स हैं, ये देखो। कौन सी लगाऊं? देख ले बस, ब्लैक लगा दे, ब्लैक अच्छी लगेगी। ये मार के रैप था ना गाइस, और घर में बहुत सारे लोग हैं, सब अपना अपना लगे पड़े हैं, सब लग गए खाने, और व्यू को नहीं दे रहा कोई, और बेचारी मौसी को दिए ही नहीं। बता मैं लाती हूँ मौसी आपके लिए। अच्छा गाइस, और यहाँ पे भी ये छोटे बच्चे बाहर अलग से खा रहे हैं, यहाँ सब बन रहा है, यहाँ लगे पड़े। ओए सॉरी बाबू, निन्नू निन्नू ये लो, निन्नू लो मेरा बेबी, पशु बिट्टे था और खुद ही केक लेके आए हैं गाइस। केक केक देखो हमने कैसा केक मंगवाया जीजू के लिए। अबे यार कमी है ना, इसीलिए बोला था बाइक पे, दिमाग है भाई, इसीलिए बोला था बाइक पे मत भेजो था, बाइक पे मत जाना जीजू पूरा। तो हम तो हाथ में पकड़ के लेकर आए, हाथ में हम तो इनको ढंग नहीं है अपनी मस्ती में, हर चीज कोई काम करनी है, ये हर चीज मैं ही करूँ। गाइस इन्होंने केक के साथ, मैंने लाई थी कल स्कूटी पे, निशिका ने लाई थी, अरे मैं लाई थी मामी का केले किलो का, वो नहीं है बात, ये हर चीज को मस्ती में लेते हैं, कभी सीरियस पूरा केक गिराते हैं। हां मुझे पता है, नहीं आराम। गाइस गाइस ये देखो, अरे बेटा एक मिनट, गाइस पता नहीं ऐसा कौन आया है, सब लोग बाहर जाके खड़े हो गए हैं। अम्मी तुम छोटा लड़का आ गया। अच्छा गाइस फाइनली पापा आ गए, मम्मी चलो अंदर चलो। हाँ बेटी मेरे पापा इतने रेडी होके आए हैं, देखो ये इतने शरीफ सी शक्ल दिखने वाले लोग कैसे मुंह चला रहे हैं गाइस, और एक एक प्लेट भी नहीं भर के लाए गाइस। ये देखो गाइस, ये लोग इससे अच्छा आते ही नहीं, तो भाई ठीक रहता आके चले गए थे। ऐसा क्या लेके आए हो अब ये बता दो जरा। गाइस ये केक पम्मी भैया ने करा है, पीके भैया का गिफ्ट देखना चाहती हूँ मैं, मुझे ये गिफ्ट देखना है, 4 घंटे में आया, कौन सा गिफ्ट है ये? इसलिए लगे क्योंकि हमें पता नहीं था मार्केट का, तो इसे तुझे नहीं मॉनेस्टी में मार्केट पता थी, कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। अब इन दोनों को पता था ना कि मम्मी भाई को क्या चीज पसंद है, क्या हो गया मामी के बर्थडे पे, पता कितना बार बार बोल दिया था नहीं आएगी, मैं क्या करूं मामी, बू में बोल दे बर्थडे पे नहीं आएगी। नहीं वो उसका गिफ्ट है जो निशी मम्मी को देने वाली, ओ सॉरी गाइस गिफ्ट ये है, ये गोल्ड की चैन निशी ने बनवाई, जो ये कटने का इंतजार करने वाला है। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू, नन्नू को देखो, निशी नन्नू को देख, निशी ओए निशी गाइस, ये निशी का गिफ्ट जीजू के लिए। गाइस ये जीजू का गिफ्ट है निशी की तरफ से, ये बात जय बाबा की।
अब मस्त लग सबको। चार घंटे का दूसरा गिफ्ट एक ये ये स्वेटर नहीं स्वेटर नहीं हाई नेट हाई नेट ये छोटा भाई आ गए कोई मतलब नहीं खाओ राम राम ये वाला ठीक कौन चलो ये भी बहुत लेट आया है पर कोई बात नहीं जो रैपिड और मार देना जिसमें इसको भी कुछ पसंद नहीं आया था वहाँ रैपिड और मार दो खाना लग गया है चावल ये क्या है पनीर दाल मखनी और ये क्या है नहीं सॉरी ये दाल मखनी है तो ये क्या है ये चाप है गाइस और ये सलाद वगैरह और अभी बाकी यहाँ पे नान वगैरह बन रही है ये सब गाइस हो रहा है अभी ये वसु सब फिर आगे खाने फिर आगे खाने पता नहीं क्या हो गया जीजू को घेर लिया आगे शायद मार वार रहे हैं नहीं फोटो खिंचवा रहे हैं यहाँ इतनी भीड़ लग रही है जीजू के साथ कुछ गलत हो गया जीजू ऊपर देखना जरा जीजू फोटो जय बाबा की हाँ बुजी को राग कहते हैं बाबा और जिस राग से बाल बने उसको पप्पू कमरे में है कुछ स्पेशल लोग मैं आपको मिलवाती हूँ उनसे इन सबसे तो आप मिलोगे ये काजल दीदी अब आइए कितने बज रहे बहन अभी 10 मिनट पहले आई है हाँ 10 मिनट पहले आई है और ये पायल दीदी के 9:30 आई और ये आंटी आंटी का कोई कसूर नहीं है यही घर से तैयार होने में लेट निकली होंगी इतना पुनीत बस कर गाइस और अब ये लोग खाना खा रहे फिर हम दोबारा से केक काटेंगे अच्छा मिला होगा खा रहे हैं तूने बता दी सब लोग अपना अलग बैठे हैं इस कमरे में कोई नहीं था ये यहाँ अकेली पाई है खाती हुई पता नहीं ऐसा क्या खा रही है ये और ये गाइस यहाँ इधर कॉर्नर में अपना लग रहे हैं और ये सब इधर ये मेरे पापा ये सब भी ही इज माय पापा इधर आओ आप इधर यहाँ पे इधर ना इधर हो ना थोड़ा सा हाँ आप दिखा ये मेरे बड़े भैया ये सारे करियर के साथ और मेरा नेक्स्ट व्लॉग होगा पुन्नू का बर्थडे इसके बर्थडे में बचे गाइस 12 बज गए अरे मैं पूछ रही थी एक दिन बचेगा ना 12 बज गए होंगे तो अभी नहीं बचे बाय गाइस बस 6 फ़रवरी को अब है पुनीत का बर्थडे तो अब मेरा व्लॉग जो आएगा वो आएगा मेरा इसके बर्थडे का तो अब वेट करते हैं इसके बर्थडे का तब तक के लिए टाटा बाय बाय लव यू ऑल टेक केयर और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग के साथ बाय बाय भाई गाइस आज कमेंट कर देना मेरा भाई कैसा लग रहा है